आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। डीएवी पब्लिक इंटर कॉलेज कादराबाद कुर्द सुहारा में स्वच्छता ही सेवा है अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य गजेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी अवनीत मान, विशिष्ट अतिथि यशपाल मलिक एसआई एवं वर्षा यादव एसआई तथा महिला आरक्षी कोमल, आरक्षी पंकज सिंह आदि कई अन्य पुलिस आरक्षी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य पंकज कुमार ने किया। महिला आरक्षी कोमल ने बालिकाओं को अपनी रक्षा सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। एसआई वर्षा यादव ने सभी बालक बालिकाओं को आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई। एसआई यशपाल मलिक ने बिना किसी संकोच के आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता लेने पर बल दिया। पुलिस सदैव आपके सहयोग के लिए तत्पर है। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी अवनीत मान ने सभी छात्र छात्राओं का विस्तार से मार्गदर्शन किया, सभी को विभागीय जानकारी दी तथा सभी से अनेक ज्ञानवर्धन हेतु प्रश्न भी पूछे। कौन क्या बनना चाहता है, इस प्रश्न के उत्तर में अनेक रोचक जानकारी दी। कक्षा 6 के छात्र दीपेश कुमार ने थाना प्रभारी महोदय ने गणित के प्रश्न पूछने पर बहुत शीघ्र उत्तर देने पर ₹500 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। थाना प्रभारी महोदय ने सभी छात्र छात्राओं तथा सभी शिक्षकों को पुलिस की सहायता के विषय में छात्र छात्राओं को सहयोग करने के लिए कहा। सभी के पास आवश्यक सहायता हेल्पलाइन नंबर कॉपी के पहले पेज पर ही लिख लें। थाने का नंबर सभी के पास होना चाहिए। अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्य अतिथि द्वारा दी गईं। प्रधानाचार्य गजेंद्र पाल सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। सभी अतिथियों को विद्यालय की ओर से स्वागत किया गया। एनसीसी के छात्र छात्राओं ने सभी अतिथियों को प्रणाम किया। कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती ममता देवी ने सभी का आभार व्यक्त किया। सभी शिक्षकों का पूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ संपन्न हुआ। उनको जागरूक करने के लिए थाना पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए सभी को बुलाया है और आपको गाइडलाइन करते हुए हमारे पुलिस स्टाफ ने वर्षा मैडम ने आपको बहुत अच्छा बताया, कोमल ने और हमारे जो दरोगा जी हैं यशपाल जी, उन्होंने आपको आश्वस्त किया है कि आप अपने आप को कमज़ोर ना माने और जो सरकार द्वारा तमाम हेल्पलाइनें दी गई हैं उन नंबरों से आपको जागरूक किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा सबसे पहले कॉलेज स्टाफ से, स्कूल स्टाफ सभी ये नंबर नोट कर लें और आज ही नहीं अपनी क्लास में सभी बच्चों की बुक में कॉपी में ये नंबर फ्रंट पेज पे लिखे होने चाहिए, उनके साथ रहने चाहिए ताकि वो उनके नंबर याद रहें, ताकि समस्या पढ़ने